मोक्ष रिकॉर्डिंग शुरू करो। हाँ सर, कर दिया। ओके मुझे फिर होस्ट करो मोक्ष। तो यहाँ पे तो 21 में दिस इज एरोमेटिक, तो कार्बोकेटायन ऑफ फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड, सेकेंड इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ इंडिकेट दैट पाई पाई इलेक्ट्रॉन 22, कैलकुलेशन इंडिकेट दैट द पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिक्रीजेस फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आई थिंक दिख रहा है एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया उन्होंने फर्स्ट में, दैट इज अलाइलिक कार्बोकैटायन एंड सेकेंड इज दिस। तो सेकेंड में क्या हो गया, इट बिकम्स एरोमेटिक। तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, सो बिकॉज इट बिकम्स एरोमेटिक सो दैट्स व्हाई द दिस इज एरोमेटिक देन अलाइलिक कार्बोकैटायन। तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाएगा। आई होप ये आया होगा सबको। ठीक है, 23 ऑनवर्ड्स आंसर दिया हुआ है कि नहीं? हेलो, नहीं दिया है सर। सर उसके पहले के भी नहीं दिए, उसके पहले के भी नहीं दिए सर। नहीं नहीं, 23 की वो ऑब्जेक्टिव है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं दिए, नहीं दिए। ओके, तो मैं पहले आंसर मैं करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है? सब मार्क करो। हाँ सर। 23 दिल्ली, दिल्ली, 25 ए, 26 A, 27 Delhi, 28 Bombay, 29 A, 30 C, 31 Delhi, 32 C,
33 दिल्ली. A 35 देखो तो सर 24 नहीं नहीं सर आ गया वो एंटी एरोमेटिक का कर रहा था मैं कुछ नहीं आ गया यो तो 25 तक है किसी को डाउट थर्टी तक सर वो 26 में नेगेटिव चार्ज और लोन पर मतलब वो दोनों काउंट करने के क्या फिर वो जो फोर्थ कंपाउंड में नहीं नहीं वो एक ही हुआ ना लोन पेयर मींस नेगेटिव चार्ज अच्छा ठीक है सर वो मतलब दिया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज मींस लोन पेयर हाँ सर थर्टी फाइव तक ट्वेंटी एट तो यही है ना 135 साइक्लो हेप्टाट्राइन कैन बी कन्वर्टेड टू एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट करना तो क्या चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए तब एरोमेटिक होगा अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो फिर यहां से तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आने तो क्या चाहिए यहाँ से H माइनस निकलना चाहिए H माइनस मीन्स हाइड्राइड उसको बोलते हैं हाँ सर तो H माइनस बाहर निकलेगा देन दिस विल बी एरोमेटिक हाँ सर Thank you.
35 तक सर 30 विच इज एंटी ऑटोमेटिक नहीं विच इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रोटोनेटेड इन द मॉलिक्यूल्स बिलो यही ना 30 हाँ सर तो यहाँ पे तुमको देखना है कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो दो लोन पेयर तीन लोन पेयर लोकलाइज्ड है देखो यहाँ पे सर ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे कौन कौन सा लोन पेयर लोकल अगेन दिस लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इनटू रेजोनेंस तो दैट लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड तो ये सबसे लिस्ट ये लोन पेयर दिस लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर दे आर लोकलाइज्ड दिख रहा है तो तीन लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं अभी इसमें से तुमको फिर एडिशनल इफेक्ट्स तुमको देखना होगा कि ठीक है यहाँ तो तीनों लोकलाइज्ड हैं तो अभी अपने कुछ और फिर सोचना होगा ठीक है तो अगर तुमने यहाँ पे रेजोनेंस लिखा फर्स्ट वाले में मैं लिखता हूं फर्स्ट वाले में तुमने रेजोनेंस लिखा तो ऐसा आ जाएगा फर्स्ट वाला क्या होगा दैट इज पाई पाई कंजुगेशन तो वी आर गोइंग टू हैव ये ऐसा आ जाएगा हाँ सर तुमने अगर सेकंड में तुमने रेजोनेंस तुमने लिखा सेकंड को मैं ग्रीन से करता हूं रिप्रेजेंट देखो ये ऐसा आएगा तुमने सेकंड में अगर रेजोनेंस तुमने लिखा सर क्लियरली दिख नहीं रहे क्या ग्रीन हाँ बोर्ड पे दिखता है कि नहीं हाँ वीडियो में दिखता है इसमें नहीं दिख रहा है हाँ वो कैमरा अच्छा नहीं है हाँ सर दिख रहा है हाँ दिख रहा है सर तो इसमें तुमने रेजोनेंस लिखा तो क्या जाएगा देखो ये
ऐसा आएगा। मैंने दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं, देखो सब। अभी बताओ फिर, तो कौन सा नाइट्रोजन दिख रहा है कि अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा देखा तो, मैंने क्योंकि ऑल थ्री नाइट्रोजन आर हैविंग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव टू गो फॉर एडिशनल इफेक्ट। तो व्हेन वी हैव रिटेन द केमिकल फॉर्म रेजोनेंस, तो इसमें नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन वैसा ही है। इस केस में तुमने देखा तो नाइट्रोजन पे चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, इसलिए फिर वो इजीली लोन पे देगा, तो वो इजीली H प्लस को लेगा ना, प्रोटोनेटेड, तो दिस बिकम्स मोर बेसिक। हाँ, तो दिस विल बी मोर बेसिक, सो इट विल बी इजीली टेकिंग H प्लस। हाँ सर, थर्टी सिक्स तक नहीं, 35 तक ही है, 35 तक देखो। बोलो फिर, हो गया फिर 35 तक नहीं है कुछ डाउट्स? तो विल स्टॉप देन इन नेक्स्ट। अभी हम लोग फिजिक्स का लेंगे, जो कल मैंने सिखाया फिजिक्स का, वो ये मोक्ष रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो मोक्ष। हाँ सर।